अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो रेसिपी आपके साथ में शेयर करूंगी वो है कीमा करेला। उसको स्टार्ट करते हैं बनाना। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। तेल मैंने डाल लिया था तकरीबन 1 कप। आप डाल देंगे इसमें प्याज जो कि 3 अदद हैं। तो प्याज को हम ब्राउन कर लेते हैं। तो प्याज ब्राउन हो चुका है। 1 टेबल स्पून अदरक है, 1 टेबल स्पून लहसुन है। तो ये डाल देंगे इसमें। जब तक खुशबू आती है हम इसको मिक्स करेंगे। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च है, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून सूखा धनिया है और 1 टीस्पून नमक है। ये चीज़ें हम सारी एक साथ डाल देंगे। 2 टेबल स्पून आप ऐड कर देंगे पानी। मसालों को 1 मिनट हमने अच्छी तरह भून लिया है। अब डालेंगे 6 अदद टमाटर। इनको मिक्स कर लेते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। टमाटर का पानी अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 kg कीमा और जो करेले थे मेरे पास वो हैं 1 kg। तो अच्छी तरह मिक्स कर लें। कीमा जो है ना इसको आप अच्छी तरह बनाई कर लें, क्योंकि जो करेले मैंने लिए थे वो 1 kg लेके इनको बारीक काट के अच्छी तरह मैंने फ्राई कर लिया था। तो ये कम टाइम लेगा। तो कीमे को तकरीबन हम 5 से 10 मिनट देंगे। तो अच्छी तरह हमने कीमा पका लिया है। और कीमे और मछली की स्मेल आती है जो कि पसंद नहीं आती खाते टाइम। और इसको ख़त्म करने के लिए एक टिप है, अगर आप सिरका ऐड करना चाहें तो 1 टेबल स्पून वो कर दें, नहीं तो आप इस पॉइंट पे लेमन ऐड कर दें। मैं 1 अदद लेमन ऐड कर रही हूँ, इससे ना स्मेल ख़त्म हो जाएगी। और 3 अदद मेरे पास सब्ज़ मिर्च हैं। आप करेले हैं जो कि मैंने फ्राई कर लिए थे पहले, अब अच्छी तरह इनको मिक्स कर लें कीमे और करेले को। 2 से 3 मिनट के लिए आप अच्छी तरह भुनाई करें। उसके बाद आप इसको ना बिल्कुल स्लो हीट पे 5 से 10 मिनट ढक के रख दें। फिर आप इसको कवर करके रखते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। तो इस टाइम आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको ग्रीन चिली कम ज़्यादा लगे ना तो आप ग्रीन चिली का ऐड कर सकते हैं इस टाइम पे, और नमक भी अगर कम हो तो ऐड कर सकते हैं। और इसको अब हम कवर कर देंगे 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो हीट पे। कीमा तैयार हो चुका है और हम इसे गार्निश कर लेंगे इसी के बीच में सब्ज़ मिर्चें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें। जो लोग न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दो में याद रखें, खुदा हाफिज़।